students to our online class. Now today I will teach you standard 8 part 4, first D, subject maths. So we will start our first point with multiplication. So we multiply karna hai. Multiply samne samne hi hota hai. Iske 4 3 ka kya ho gaya? 12. 15 8 ka kya ho gaya? 15 8 ka 120. Okay? Abhi yahan pe kya aaya hai? 12. Yahan pe 120. 12 times 120. So our answer is 1 upon 10. यहाँ पे numerator कुछ नहीं है इसलिए हमने 1 ले लिया. Next is 4 upon 11 multiplied by minus 2 upon 9. तो 4 2 का कितना हो जाएगा? 8 minus में आएगा क्योंकि plus minus minus 11 9 का 99. अभी ये दोनों same table में नहीं आते तो हम इसको same ही रखते हैं. Okay? Next point is minus 5 upon 7 multiplied by 14 upon 15. 5 14 जा 70. 70 किसमें आएगा? माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस माइनस ही होता है. 15 7 जा 105. सी यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 105 है. इवन ऑड है लेकिन सेम टेबल में आते हैं. कैसे आते हैं? तो 17 अगर हमें 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 1 बचा 0, 2 5 जा 10, 0 0. हमारा जो लास्ट में जीरो आया क्या आया? 35. 35 टूजा कितना हो रहा है? 70. अभी हम 105 को 3 से करें, 3 3 जा 9, 10 में से 9 1, 3 5 जा 15, 0 0. तो क्या हो रहा है? दोनों 35 के टेबल में आ रहे हैं. 35 टूजा 70 एंड 35 3 जा 105. तो इधर आएगा 35 टू जा और इधर 35 थ्री जा. टू किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि 17 बड़ा है. सो आवर आंसर इज माइनस 2 अपॉन 3. सो ए बी और सी मैंने समझाया है, डी ई एफ आप खुद से भी कर सकते हैं. नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट पॉइंट. नाउ वी स्टार्ट अवर सेकंड पॉइंट, सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में भी हमें मल्टीप्लाई सामने सामने ही होगा. दोनों साइड्स में दो पार्ट्स हैं. जैसे कि 8 थ्री जा कितना होगा? 24, 24 आएगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो गया. 5 4 जा 20 प्लस 16 7 जा 6 7 जा 42. इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो. 7 जा 7 8 9 10 11. 16 7 जा 112. माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस है. 25 8 जा 200. Now 20 and 200, उसका LCM हमें निकालेंगे तो क्या आएगा? 200. तो यहाँ पे 20 के साथ 10 कर देंगे और minus 24 upon 10 plus 200 का क्या करेंगे? तो 200 खुद ही आएगा. 200 1 जा 200 minus 112 1 जा 112. दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया. 20 10 जा 200, 200 1 जा 200. 24 10 जा 24 1 जा 24 और 0. 2 4 0 किस में आएगा? माइनस में, बीच में प्लस की साइन है. 1 1 2 1 जा 1 1 2, साइन किसकी आएगी? माइनस की. माइनस 20 2 4 0 प्लस माइनस 1 1 2, माइनस दो बार है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. यस, 240 प्लस 112253. सो आवर आंसर इज 352. यहां पे कर दीजिए 352 अपॉन 200. यहां पे प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. लेकिन साइन किसकी आएगी? बड़ा क्या है? 240. साइन आएगी 352 की. अभी देखना है कि दोनों सेम में आ रहे हैं टेबल में कि नहीं. यहां भी इवन है, यहां भी इवन है. हम कर लेते हैं जैसे कि 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 है, कितना बचा? 1, 15 हो गया. 2 7 जा 14, यहाँ पे कितना बचा? फिर से 1, 12 हो गया. 2 6 जा 12, 1 7 6 आ गया इसका अपॉन. यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 10 जा
20 और 0 बचा हुआ इसमें ऐड कर लो 176 एंड 100 हुआ। अभी भी उड़ेगा क्योंकि दोनों इवन हैं, कैसे उड़ेगा 176 है और यहाँ पे क्या है 100, तो 176 है तो 2, अगर 2 के जगह से करें 2, 27 जा 14, 2 8 जा 16, तो 2 8 जा 16, यहाँ एक बचा जुड़ गया 16 हो गया, 2 8 जा 16 88, यहाँ पे 2 5 जा 10 0 बचा ऐड हो गया 88 अपॉन 50 और उड़ रहा है कैसे, तो 2 4 जा और 2 4 जा यहाँ पे आ गया 44 और 2 2 4 एक बचा 2 5 10 कितना आया 44 अपॉन 25 अभी उड़ रहा है। अगर यहाँ पे 2 2 4 2 2 4 करेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 यहाँ पे 5 नहीं उड़ेगा, तो लास्ट आंसर इज 44 अपॉन 25। ओके सो दिस इज आवर आंसर, नाउ स्टार्ट्स डी 44 अपॉन 25। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या चल रहा है माइनस, तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी हम माइनस की साइन लगाएंगे, तो आवर आंसर -44 अपॉन 25। ओके नाउ स्टार्ट्स बी, सो नाउ आवर बी इज 7 अपॉन 25 मल्टीप्लाई का -15 अपॉन 18, सेम जो हमने ए किया था ऐसे ही हम करेंगे। तो सबसे पहले 7 15 का कितना होता है 57 जा 35 3 के रिजल्ट सेम 9 8 9 10 आएगा -105 क्योंकि 15 7 105 और साइन आएगा माइनस का 25 अपॉन 18, तो उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 5 40 फॉर कैरी 8 2 16 200 प्लस क्रॉस 1 5 2 0 5 4, सो आवर आंसर इज 450। यहाँ पे आएगा 450, तो प्लस में ही आएगा क्योंकि साइन नेगेटिव और पॉजिटिव है, इसको हम कैंसिल कर देंगे प्लस दिस पॉइंट 3 4 12 साइन आएगा माइनस का 5 9 45। ओके 450 45 दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंस है तो हम क्या लेंगे 450 क्योंकि दोनों का अगर एलसीएम निकालोगे तो 450 आएगा 45 एलसीएम लेते हैं तो 450 आएगा, आप एलसीएम लेके करना मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ 450 मल्टीप्लाई बाय 1 105, इधर नीचे 1 है तो ऊपर भी 1 ही आएगा 45 कितने जा 450 आता है तो 45 10 जा 450 इधर 10 भी है इधर भी क्या आएगा 10। ओके नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 105 बंदा 105 ही आएगा 450 बंदा 450 प्लस 12 एंजा 120 साइन आएगा माइनस का 50 प्लस माइनस माइनस है 45 एंजा 450। सी आवर डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हमें करना क्या है 450 डिनोमिनेटर में लिख देना है माइनस 105 प्लस माइनस 120, यहाँ भी दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो हम दोनों को क्या कर देंगे पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 120 प्लस 105 522, सो आवर आंसर इज 225 अपॉन 450। माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन साइन किसका आएगा बिगर नंबर का, तो बिगर नंबर है 120 225 अपॉन 450। अभी यहाँ पे देखना है दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं तो 225 है 450, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो डायरेक्ट हमको समझ में आएगा दोनों फाइव टेबल में फाइव के टेबल में से ही उड़ जाएंगे, तो जैसे कि 5 4 20 यहाँ पे 22 है कितने बचे 2 5 5 25। ओके नेक्स्ट 5 के टेबल में ही उड़ाना है 5 9 45 और 0 ऐड हो जाएगा, तो दोनों 5 के टेबल में से उड़ गए 45 अपॉन 90, 45 के टेबल में ही 90 आ रहा है
45 to 90, 45 माइनस 10 हाफ, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, ऊपर कुछ नहीं हो रहा तो -1/2. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. और जो सी पॉइंट्स है वो आपको खुद से सॉल्व करना है. नाउ इसका थर्ड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट इज सो दैट -5/8 × 4/15 × -3/4 सेम टू सेम वही का वही ये है. तो क्या है ये, जो तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन में बात करती है कि नहीं हुआ देखेंगे. सबसे पहले हम इन दोनों स्टेप का लेंगे और इसका आंसर मैच करेंगे. 5 और 20 होता है, 20 किसमें आएगा, माइनस में, 15 × 120, 8×5 = 40, और एक बार मैंने कई बार मिला है 19 × 12. सो −20/120 × -3/4. अभी हमारा डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कैसे, तो 4×5 = 20 हो गया, तो ये -5 हो गया, 3×4 = 12, 0 बचा वहां पे है. ओके, सो −5/40 × -1/1, यहां पे कुछ नहीं है तो 1. 5 × −5 × 40 − 1/1. अभी 5 के लेवल में 40 उड़ रहा है, 5 × 8 = 40. ओके, −1/8 × −1/1. 1 × 1 −, क्या हो गया, प्लस, और 8 × 1 = 8. So our first part's answer is 1/8. Now we solve these parts. −5/8 × 4×3 = 12. 12 किसमें आएगा, माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है. 5 × 15 = 5 × 20, 2×4 = 6. 15 × 4 कितना हुआ, 16. ओके, 5 × −5/8 × −12/16. अभी यहां पे देखिए क्रॉस में ही होगा, 5 और 60 है तो 12 × 5 कितना हो गया, 16. −5 हो गया है तो इसकी जगह हम −1 कर देते हैं, कुछ नहीं तो 1 तो लिखना ही पड़ेगा. −1/8 × −12/12. यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो 12 × 12 हो गया, तो दोनों क्या हो गए, एक कैंसिल हो गए. सो अवर आंसर माइनस माइनस क्या होता है, −8/8, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या समझेंगे, −1/1. 1 × 1 क्या होता है, 1 × 1 = 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 × 1 = 8. सी फर्स्ट आंसर 1/8 एंड सेकंड आंसर भी 1/8, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है, इसलिए दोनों आंसर सेम आ गए. नाउ स्टार्ट बी. तो ए तो आपने समझ लिया, बी आप ऐसे ही कर सकते हो. ओके, तो ये आपको कैसे करना है, तो हम नेक्स्ट पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं. तो नेक्स्ट वन इज 4. वेरीफाई ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी. तो जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का, उसका ये जो वैल्यू है ए बी और सी, वो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल रखा है. अभी मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाना है. सो −4/7 हमको ऐसे ही रखना है. और सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लाई बाय 14 × 15 − −3/4. 14 × 3 = 42 आएगा, माइनस में साइन माइनस किए, 15 × 4 = 16. अभी 4 के टेबल में 16 और 7 के टेबल में 42 डायरेक्ट हो रहा है, जैसे कि 4 × 4 और यहाँ पे 2 बचे, 4×5 = 20, तो 15 × 4 = 60 हो गया, तो ये 60 चला गया, 7×6 = 42. ओके, −1 यहाँ पे कुछ नहीं है, साइन माइनस किए तो −1/1 × −6/15. 6×1 = 6, साइन किसकी आएगी, प्लस की, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 15 × 15 = 15. 6/15 है, अभी 6/15 दोनों सेम टेबल में आते हैं तो 3
थ्री थ्री टू जरा सिक्स हो रहा है, यस थ्री के टेबल में आते हैं, थ्री टू जरा सिक्स एंड थ्री फाइव जरा फिफ्टीन, सो आवर आंसर इज टू अपॉन फाइव. नाउ वी सॉल्व दिस पॉइंट्स. माइनस फोर अपॉन सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर्टीन अपॉन फिफ्टीन. फोर्टीन अभी डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट ही हो जा रहा है, सेवन टू जो फोर्टीन, ओके. और फोर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस फोर अपॉन कुछ नहीं तो यहाँ पे हो गया है, तो वन मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन फिफ्टीन, ओके, मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री अपॉन फोर. अभी ये देखना है दोनों साथ में जा रहे हैं, तो 4 टू जा 8 हो गया और 15 बन जा 15. तो हम 4 टू जा क्या करेंगे, 8 8 किसमें आएगा, माइनस में, और 15 बन जा 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 अपॉन 4. माइनस 8 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 अपॉन 4. सो अभी यहाँ पे देखिए क्रॉस क्रॉस डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थ्री फाइव जा 15 हो गया, फोर टू जा 8 हो गया, तो यहाँ पे माइनस की साइन टू के साथ आएगी, माइनस टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अपॉन वन, टू वन जा टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन फाइव वन जा फाइव. तो हमारा जो मल्टीप्लीकेशन वेरीफाई जो हमें करना था टू फाइव, और दोनों 2525 बोथ आंसर वर सेम, दैट्स मींस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर विद मल्टीप्लिकेशंस. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर फिफ्थ पॉइंट. सो आवर फिफ्थ पॉइंट इज स्टेट द प्रॉपर्टीज इलस्ट्रेटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल. हमें इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करके इसको इलस्ट्रेट इसका आंसर लाना है. तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन में है. अभी इन दोनों का हमें आंसर करना है. तो सबसे पहले माइनस टू अपॉन थ्री सेम आएगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन माइनस में आएगा, सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स, ओके. अभी देखना है कि दोनों सेम पे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, यस ये दो हो रहा है, थ्री फाइव जा फिफ्टीन माइनस फाइव हो गया, टू टू जा फोर वन बचा, टू एट जा सिक्सटीन, ओके. सो यहाँ पे माइनस वन हम लिख लेंगे अपॉन वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव अपॉन ट्वेंटी एट, फाइव बन जा फाइव, माइनस माइनस प्लस हो गया, ट्वेंटी एट बन जा ट्वेंटी एट. सो अवर फर्स्ट आंसर इज फाइव अपॉन ट्वेंटी एट. नेक्स्ट देखते हैं टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स माइनस सिक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव अपॉन एट, ओके. माइनस सिक्स माइनस फाइव, सिक्स फाइव जो थर्टी हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ट्वेंटी वन एक जा और एक जा एट, एक टू जा सिक्सटीन, एक टू जा सिक्सटीन, वन सिक्स एट, थर्टी अपॉन वन सिक्स एट. अभी थर्टीन है और वन सिक्स एट है, तो किसके टेबल में आता है, तो हम टू से करेंगे, टू वन जा टू फाइव जा टेन, तो फिफ्टीन टू जा थर्टी हो गया. अभी टू टू एट जा सिक्सटीन, टू फोर जा एटी फोर हो गया. अभी भी उड़ रहा है, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन, अभी फाइव वन जा फाइव, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, सॉरी थ्री थ्री के टेबल में उड़ा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन हो गया, थ्री टू जा सिक्स, टू दो बजे, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, तो आंसर इज ट्वेंटी एट, दोनों थ्री के टेबल में आ गए. सो आवर आंसर इज फाइव अपॉन ट्वेंटी एट. तो जो दोनों है वो हमने वेरीफाई कर लिया है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दोनों सेम आंसर है, ओके. नाउ स्टार्ट्स बी पॉइंट. बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, हमें ये सिंप्लीफाई करना है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई और फिर एडिशन. तो जैसे कि 7 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 70 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 70 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 20, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, जैसे कि 7 अपॉन 20 कितनी टाइम है, दो टाइम.
दोनों में है, इसलिए हम 6 प्लस 11 अपॉन 17 कर देते हैं। ओके 11 अभी क्या होगा, 11 अपॉन 6 कितना हुआ 17, और नीचे 17 आ गया, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारे पास क्या